वेलकम दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करने वाले मेडिकल के बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मेडिकल होगा या नहीं होगा, और जो हमारे पास लिस्ट आई है उसका भी मेडिकल आपको री मेडिकल के बारे में बताएंगे, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको पहले बता दूँ कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा उससे पहले आपका कोई भी मेडिकल नहीं होगा। जितने भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो जिनका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, एग्ज़ाम की ऑफिशियल जानकारी भी आज आ जाएगी। लगभग लगभग एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हो चुका है, ये कब होगा? सितंबर के 26 तारीख को होगा या अक्टूबर के 31 को होगा, इसके लिए अलग से हम बता देंगे। फिलहाल अभी जो जानकारी है वो 26 सितंबर को ही हो सकता है। बाकी जो अभी लेटर आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, तकरीबन आज वो लेटर आने के आसार हैं लगभग लगभग 100%। तो अब बात करेंगे मेडिकल के बारे में, आपको बता देंगे जिनका भी अभी एग्ज़ाम बाकी है उनका मेडिकल जो हो चुका है दोबारा, अभी तक कोई भी उनकी री मेडिकल होने के आसार अभी तक नहीं है होगा, तो जब आप भर्ती हो जाओगे जाने के टाइम तभी होगा। तो जो हमारे पास लिस्ट आ चुकी है वो भी आपको बताएंगे, यहाँ पे जो लिस्ट है दिखाते हैं आपको। जहाँ पे बता दूँ कि ये थोड़ा जो कोविड के कारण थोड़ा ये भर्ती हुई थी, लेकिन फिर से डिले कर दिया गया था इस भर्ती को, लेकिन अब इसका मेडिकल जो री मेडिकल है वो शुरू हो चुका है। आपको बता देंगे ये अजमेर रैली हुई थी जुलाई और अगस्त के महीने में 2021 में। इसके एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं मिली, फिलहाल इसकी जो अभी एग्ज़ाम की डेट बताई जा रही है वो 26 सितंबर को बताई जा रही है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दे देंगे इस वीडियो में। यहाँ पे जिनका भी अभी मेडिकल बाकी है यहाँ पे देख सकते हो, 1021 और 2073 से लेकर इनका जो 23 को अगस्त को ये मेडिकल होगा, ठीक है। ये बता दूं कि इनका पहले अभी अभी जो लेटेस्ट भर्ती हुई है जुलाई और अगस्त के महीने में वो उसका मेडिकल है, ठीक है। ये उनका मेडिकल है और बिल्कुल रियल है, ये उनके एआरओ के बाहर हमने कंफर्म किया, उनके एआरओ के बाहर लिस्ट लगी हुई है, वहाँ से हमने कांटेक्ट किया हुआ है, उन्होंने बताया कि ये मेडिकल होना है अभी जयपुर में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 24 अगस्त को है, उसके बाद यहाँ पे 2559 से लेकर 2894 तक 25 अगस्त को है, यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको कि आपका ये मेडिकल जो जो इनमें से सभी से अगर कोई एबसेंट हो जाता है, किसको अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो वो 15 से लेकर 18 के बीच अपना मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल के ऊपर में हम एक लिस्ट एक वीडियो बनाएंगे अलग से कि आप मेडिकल में जो छोटे छोटे पॉइंट है कैसे बच सकते हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पॉइंट आते हैं कि ये मेरा मेडिकल पड़ गया ये हो गया, उसमें भी हम एक वीडियो लेटेस्ट बनाएंगे कि कौन सा जो आपका मेडिकल होता है कैसे मेडिकल आप जो एमएच पढ़ता है रिव्यू होता है कैसे उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूँ जो एबसेंट होंगे, यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो भी बच्चे मान लो किसी की नाक की हड्डी बड़ी होती है, ठीक है, जो नाक की हड्डी उसका अगर आपका मेडिकल पढ़ा हुआ है तो आप ऑपरेशन करवा सकते हो। ऑपरेशन करवाने के बाद आपको पता है कि 10 से 15 दिन आपके लगते हैं आपको उसको रिकवरी होने में, तो वहाँ पे बता दूँ कि जो भी ऑपरेशन करवाएंगे इस एबसेंट जे वाले में आप यहाँ पे मेडिकल करवा सकते हो इस दिन में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, और जिनका मेडिकल पड़ता है तो कृपया आप अपने कानों की आँखों की थोड़ा जाँच करवा के ही जाएँ, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता आपको इस आर्मी में मेडिकल के ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी भी अभी अगर ये मेडिकल जयपुर का है तो जिन भी बच्चों पास ये वीडियो जा रही है कृपया शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए और आप टाइमली अपना मेडिकल करवा सके। अपने कान आँख सब कुछ एक बार देख लीजिए, ध्यान से साफ करवा के जाइए, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये लिस्ट आपको पूरी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।